मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी चोइथराम मंडी में अब हम्मालों ने हड़ताल कर दी है। जी हां, हम्मालों की इस हड़ताल के बाद किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। मानव अधिकार आयोग द्वारा हम्मालों के पक्ष में दिए निर्देशों के बाद अब हम्मालों ने अब अपने हक के लिए हड़ताल का रास्ता अपना लिया है, जिसके कारण आज इंदौर की चोइथराम मंडी में व्यापार बंद रहा। दरअसल हम्मालों द्वारा लंबे समय से 50 किलो से अधिक की बोरी को ना उठवाने की मांग शासन से की जा रही थी, जिसके चलते शासन स्तर पर मानव अधिकार आयोग द्वारा हम्मालों के पक्ष में निर्देश देकर 50 किलो से ज्यादा की बोरे उठवाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते हम्मालों ने इंदौर की सबसे बड़ी चोइथराम फल एवं सब्जी मंडी में काम बंद कर हड़ताल घोषित कर दी। हड़ताल का खामियाजा सूचना के अभाव में अपना माल लेकर मंडी पहुंचे किसानों को भुगतना पड़ा। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें व्यापारी द्वारा पहले ही सूचित कर दिया जाता तो वह माल लेकर मंडी नहीं आते और उन्हें दुगने भाड़े की मार भी नहीं पड़ती। हमें पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई मंडी प्रशासन द्वारा न व्यापारी द्वारा। कल सुबह मतलब 10 बजे अलाउंस अगर हो जाता तो हम माल नहीं लाते। शाम को 6 बजे अलाउंस हुआ जब किसानों का माल मंडी में आ गया। जब बोल रहे हैं कि अब हम माल नहीं खरीदेंगे, आज अब उतारेंगे भी नहीं, हम माल नहीं उतारेंगे हम, तो अब 4 दिन अब छुट्टी है, कल रविवार की छुट्टी, सोमवार जन्माष्टमी, 3-4 दिन अब किसान यहाँ रहे तो उसकी प्याज पूरी तरह खत्म हो जाए। वैसे तो कम भाव है बिक रहा है प्याज और लहसुन वर्तमान स्थिति में, और ख़राब हो जाए और अगर किसान घर ले जाता उसको डबल भाड़ा अगर लगता है तो किसान को पुरते ही नहीं कहीं से भी कहीं तक 1 रुपया। मतलब आज किसान और अभी से मतलब यू वैसे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही वर्तमान में, किसान आत्महत्या करने मजबूर कर रहा, बल्कि और आज और ये किसानों के साथ बहुत बड़ी विडम्बना मतलब बहुत बड़ी स्थिति बन रही किसानों को, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम व्यापारियों से मिले, मंडी प्रशासन पर हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं किसानों की। वहीं इस मामले में व्यापारियों का कहना है कि सभी निर्णय मंडी समिति को लेना है और जो भी निर्णय वह लेंगी उसी अनुसार व्यापारी वर्ग काम करने को तैयार है। किसानों से ये मंडी जो है किसानों से खरीदती नहीं है, आड़ती हैं जो बेचते हैं और खरीददार माल को खरीदते हैं और वो बाहर भी भेजते हैं, इंदौर मंडी में भी भेजते हैं, 100 किलोमीटर दूरी पे भी भेजते हैं। माल मंडी में जो है वो उतारने की समस्या हो गई। हम वालों ने जो डिक्लेयर करा कि हम समय सीमा बांध दी, एक तो सुबह 8 बजे तक माल उतारेंगे, शाम को 6 बजे सुबह, और माल सिर्फ 8 बजे तक ही 10 बजे तक भरेंगे, सिर्फ रात को 10 बजे तक। अब जब 10 बजे तक माल भरेंगे, यहाँ मंडी इतनी बड़ी है कि कम से कम अभी सीजन नहीं है तो भी 100 गाड़ियाँ आ जाती हैं, और सीजन पे 400-500 गाड़ी आती है, और जब सीजन होता है तो 4 बजे तक तो प्याज बिकती रहती है। जब 4 बजे तक प्याज बिकेगी तो भराएगा कब, और ये मंडी खाली कब होएगी। आज भी ये समस्या है कि जो माल उठेगा नहीं, अभी पानी गिर रहा है तो गाड़ी भरी खड़ी रहती है, कई बार तो जब गाड़ी भरी हुई खड़ी रहेगी तो माल उतरेगा कहाँ, किसान का माल बिकेगा नहीं, वो भर के आके खड़ा रहेगा, हम कहाँ उतारेंगे उसको। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय बंधना नहीं चाहिए, कच्ची चीज़ें हैं ये। देखिए, जहाँ तक वजन का सवाल है तो जैसा भी मंडी बोर्ड से आदेश आएगा हम मानेंगे। इसमें अभी हमारी जो चर्चा हो रही है कि किसानों ने जो माल स्टॉक कर रखा है वो सब 60 किलो के कट्टे में है, कोल्ड स्टोर में जो माल रखा हुआ है वो सब 60 किलो के कट्टे में है, तो कम से कम ये सीजन उनका माल 60 किलो तक के कट्टे में बेचा जाना चाहिए, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े। दूसरा, उनका क्या नाम, लाल जाली का बारदान नहीं उतारेंगे। तो अक्सर जो किसान हैं उन्होंने लाल जाली के बारदान में घर में माल रख रखा है, अगर वो माल पलटी करते हैं, बारदान पलटी करते हैं, तो उनको नया बारदान, उसकी हम्माली, मजदूरी, सारा खर्चा उनके सिर के ऊपर पड़ता है। कोई भी नियम बनाना मंडी बोर्ड का काम है या राज्य शासन का काम है, कोई भी एसोसिएशन कोई भी नियम नहीं बना सकती है, अपना प्रस्ताव भेज सकती है
और उस प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श होकर ही कोई चीज लागू होना। कुल मिलाकर हम्मालों की हड़ताल से न सिर्फ किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि 50 किलो से अधिक भार नहीं उठाने की वजह से किसानों पर भी प्रति कट्टे के हिसाब से महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।